हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मॉम नवनीत। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है और मैंने भी अपने घर पर स्टार्ट कर दी है हाउस क्लीनिंग। सो अभी मेरी जो वार्डरोब है काफ़ी मैसी हो गई है। सो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँ और साथ ही आप लोग के साथ में मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो जो है वो शेयर करूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मेरी जो वार्डरोब है एकदम मैसी है। सो ये रहा मेरी वार्डरोब का ऊपर वाला ड्रॉअर। सो ऊपर वाला पोर्शन आप देख सकते हैं मेरी वार्डरोब का कि कितना मैसी है। सो अभी मुझे इसको अच्छे से रीअरेंज करना है और मैं आपको बाद में फिर शेयर करती हूँ कि रीअरेंज करने के बाद में मेरी वार्डरोब है जो वो कैसी दिख रही है। सो फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने नीचे वाला ड्रॉअर। सो ये वाला जो ड्रॉअर है ये तो बहुत ही ज़्यादा मैसी है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी कुछ दिनों से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो नीचे वाला ये ड्रॉअर है ये तो बहुत ही ज़्यादा मैसी है। तो चलिए इस ड्रॉअर को भी, इस फुल अलमीरा को करते हैं रीअरेंज और फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी अलमीरा को किस तरीके से रीअरेंज किया है, ऑर्गेनाइज किया है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है अपनी अलमीरा। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये रहा मेरी अलमीरा का ऊपर वाला ड्रॉअर। सो इसमें मैंने इस तरीके से हैंग की हैं अपने हस्बैंड की शर्ट्स। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो है अपने हस्बैंड के लिए ऊपर वाला ड्रॉअर जो है मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े रखे हैं इस ड्रॉअर में। सो यहाँ मैंने हस्बैंड की शर्ट्स जो है वो हैंग कर दी हैं और फ्रेंड्स शर्ट्स के अंदर ही मैंने लगा दी हैं हस्बैंड की जीन्स। तो यहाँ जो है शर्ट्स, जितनी भी शर्ट्स आपको दिख रही हैं उसके अंदर मैंने हस्बैंड की जीन्स भी लगा दी है। सो यहाँ साइड में मैंने रखी है ये बास्केट और बास्केट में मैंने रखे हुए हैं हस्बैंड के अंडरगारमेंट, साथ ही कुछ हस्बैंड की सॉक्स एंड उस इसी में मैंने रख दिए हस्बैंड के हैंकी। और फ्रेंड्स, यहाँ रखा हुआ है मैंने एक छोटू सा ज्वेलरी बॉक्स। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो मेरा ज्वेलरी बॉक्स है एक्चुअली ये एक स्वीट्स का खाली डब्बा था। सो इसको मैंने इस तरीके से, इस एम्प्टी बॉक्स को मैंने थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया है। तो इसमें मैंने रख दिए हैं अपने कुछ इयररिंग्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ अपने इयररिंग्स रखे हुए हैं। सो ये एम्प्टी बॉक्स बन गया है मेरा ज्वेलरी बॉक्स। सो यहाँ मैंने अपने इयररिंग्स ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं इस बॉक्स में। सो इस बॉक्स को रखते हैं यहाँ। और फ्रेंड्स, ये जो अलमीरा का डोर है इस पर मैंने हैंग कर दिए हैं ये स्लिंग बैग्स, क्योंकि फ्रेंड्स इन स्लिंग बैग्स को मैं करती हूँ डेली यूज़। तो इनको मैंने इसलिए अंदर नहीं रखा है, जस्ट यहाँ पर हैंग कर दिया है। सो इस तरीके से मैंने अपनी अलमीरा की ऊपर वाली ड्रॉअर को कर दिया है ऑर्गेनाइज। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी अलमीरा की नीचे वाली ड्रॉअर। और फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों जितनी भी मेरी ड्रॉअर्स हैं अलमीरा में, इसमें मैंने बिछा दी है ये जो है वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट, क्योंकि ये अच्छी रहती है। सो क्योंकि मेरी जो अलमीरा है वो स्टील की अलमीरा है, वो गोदरेज की स्टील अलमीरा है। सो उसमें ये शीट मैंने बिछा दी है ताकि जो धुले हुए कपड़े हैं, ये शर्ट्स मैंने हैंग की हैं, तो ये कहीं से भी इसमें लग करके गंदी ना हो। सो यहाँ मैंने, आप देख सकते हैं, तीनों के तीनों ड्रॉअर्स में ये वाली शीट मैंने बिछा दी है। सो फ्रेंड्स, सेकेंड ड्रॉअर में मैंने रखे हैं इस तरीके के दो ऑर्गेनाइज़र बैग्स। तो इन ऑर्गेनाइज़र बैग्स में मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए हैं अपने कपड़े। सो फ्रेंड्स, इस वाले बैग में मैंने रखी हैं अपनी डेली यूज़ होने वाली कुर्तीज़ टॉप्स और साथ ही मैंने अपने डेली यूज़ होने वाले सूट्स इसमें रख दिए हैं। और फ्रेंड्स, इन ऑर्गेनाइज़र बैग्स की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें फ्रंट में जो है इस तरीके की ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है, तो अच्छे से दिख जाता है कि इसमें मैंने क्या रखा है। सो यहाँ रखा हुआ है मैंने अपना स्ट्रेटनर। और फ्रेंड्स, इधर वाले ऑर्गेनाइज़र बैग में मैंने रखे हुए हैं अपने ऐसे सूट्स जो कि मैं पार्टी वेयर, मेरे सूट्स हैं, मैं कभी कभी पहनती हूँ, डेली यूज़ में नहीं पहनती हूँ, तो उनको मैंने इसमें रखा हुआ है। सो
इस तरीके से मैंने इन दोनों बैग्स में अपने डेली यूज़ होने वाले कपड़े और जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ वो कपड़े मैंने रख दिए हैं। और फ्रेंड्स, इस तरीके के बैग्स काफ़ी अच्छे रहते हैं और इनमें आप जब कपड़े रखते हैं तो काफ़ी ऑर्गेनाइज लगती है अलमीरा। सो इसके अंदर मेरे कपड़े आ गए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ है मेरी एक छोटू सी ड्रॉअर दी हुई है मेरी अलमीरा में। सो उसमें मैंने इस तरीके से रखा है अपना चूड़ा। और फ्रेंड्स, यहाँ रखी हुई एक छोटू सी मेकअप किट। सो फ्रेंड्स, इसमें एक्चुअली मैंने रखी हुई हैं अपनी बिंदीज, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स पार्टी वेयर बिंदीज का काफ़ी शौक है, तो मैंने काफ़ी कलेक्शन रखा हुआ है बिंदीज का। सो आप देख सकते हैं, सो इस किट में मैंने रखी हुई है अपनी बिंदीज। और यहाँ रखा हुआ है मेरा डिजिटल कैमरा। और यहाँ रखी हुई है फ्रेंड्स मैंने अपनी कुछ रबर बैंड्स, जो कि अभी मेरी स्पेयर हैं, थोड़े अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने कुछ न्यू रबर बैंड्स ली थी तो उनके बॉक्सेस जो हैं मैंने यहाँ रखे हुए हैं। और ये छोटा सा सेफ है, तो इसमें एक बैग रखा हुआ है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं। और फ्रेंड्स, ये रहा मेरा नीचे वाला ड्रॉअर। तो नीचे वाले ड्रॉअर में भी मैंने सेम इसी तरीके के दो ऑर्गेनाइज़र बैग्स रखे हैं। और फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइज़र बैग्स जो हैं ये मैंने परचेज़ किए थे अमेज़ॉन से। सो काफ़ी अच्छे रहते हैं ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में। सो इस वाले बैग में भी मैंने रखे हैं अपने कुछ सूट्स कुर्तीज़ वगैरह जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। सो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि इनके फ्रंट में लगी हुई है प्लास्टिक शीट। और फ्रेंड्स इस वाले बैग में मैंने रखे हैं अपने हैंडबैग्स, पर्स। तो ये रखा हुआ है मेरा बैकपैक और ये रखे हुए हैं मेरे हैंडबैग्स। तो फ्रेंड्स, मेरे जितने भी पार्टी वेयर क्लच हैं, हैंडबैग्स हैं या बैकपैक्स हैं, तो उन सबको मैंने जो है इसमें इस ऑर्गेनाइज़र बैग में रख दिया है। तो उससे जो है काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है अलमीरा। सो इधर उधर अभी ये मैस नहीं फैलाएंगे सारा का सारा सामान। तो मेरा सारा सामान जो है अच्छे से इन बैग्स में आ गया है और अलमीरा भी काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रही है। सो आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर ली है अपनी अलमीरा। सो पहले आपने देखा था कि मेरी जो अलमीरा है कितनी ज़्यादा मैसी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने कर लिया है इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज। और फ्रेंड्स, इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बैग्स आप भी ले सकते हैं, इससे अलमीरा जो है काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती है और बहुत सारा सामान भी इनमें आ जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने की है अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज। सो फ्रेंड्स, आज की अगर ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।